टू माई चैनल करियर पॉइंट फॉर यू। और आज की इस वीडियो में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी और इंटर्नशिप लेके आए हैं, ठीक है, आपके लिए। एक नहीं, दो नहीं, कम सात आठ कंपनी, सारी चीजें वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। कौन एलिजिबल है, कब तक अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, ठीक है। और सैलरी पैकेज क्या होने वाला है, सारी चीजें वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं, चाहे वो ऑफ कैंपस हायरिंग से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी कंपनी से कोई भी अपडेट आई हो, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी अगर आपको किसी भी कंपनी से कोई डाउट होता था, हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट मैंने हर कंपनी को ट्राई किया है कवर करने का, ठीक है, तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो और एक और हमारा चैनल है जर्नी ऑफ इंजीनियर, जिसमें मोस्टली वीडियोस में अपने इन्फोसिस की जर्नी के ऊपर मैंने बनाई हुई है, फर्स्ट डे, फर्स्ट वीक, फर्स्ट मंथ, ठीक है, ट्रेनिंग मेरी कैसी गई, ठीक है, और भी बहुत सारी वीडियो, अराउंड 25 या 26 वीडियोस हैं, ठीक है। तो आप एक बार जाके गो थ्रू हो सकते हो, आपको जो भी डाउट है ना, अगर आप एज अ फ्रेशर इन्फोसिस में ज्वाइन हो रहे हो तो आपको जो भी डाउट है मैं तो गारंटी दे रहा हूँ क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारी, मत तो मैंने बोला चलो मेन पेज ही यहाँ पे हम शेयर कर देते हैं, ठीक है। और सारी जितनी भी ओपनिंग सारी वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब होता है ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम। तो अगर आप कोई भी मतलब सिलेक्ट कर लेते हो, देख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे मोस्टली जो आपको मांगी गई है ना, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, बस इसके अलावा ज्यादा। और वहां पर मैंने मेंशन किया था कोई भी अप्लाई कर सकता है, मतलब कि मिनिमम 10+2 या फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन अप्लाई कर ही सकता, ठीक है, बट मिनिमम 10+2 तक आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आपने, क्योंकि जिसने भी अप्लाई करना है मिनिमम उसकी 10+2 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात रही अमेजोन की, तो ऐसा नहीं कि एक ही ओपनिंग है, तो देख सकते हो यहाँ पे कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, बैंगलोर, नोएडा, इंदौर, कोयम्बतूर, चंडीगढ़, जयपुर, मैंगलोर, लखनऊ, तो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब बहुत सारी क्या बोलते हैं लोकेशन है, ठीक है। और अगली आपकी अपॉर्चुनिटी जो आ रही है IBM की तरफ से, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करके देखते हैं कि क्या क्या मांगा गया है, कौन कौन एलिजिबल है, क्या क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे हम सीधे पहले चलते हैं आपको कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो देख सकते हो मिनिमम जो मांगा गया ना, बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, और आपको क्या क्या आना चाहिए, सिस्टम लैंग्वेज की बात करें, C++, जावा, पाइथन, गो, लैंग, रिएक्ट, JS और ग्रूवी, और उसके बाद आपके सिस्टम की बात की गई, मतलब कि यूनिक्स हो गया, लिनक्स हो गया, ठीक है, एल्गोरिथम्स की बात की गई है, देन आपका पुश वाला, मतलब कि क्या बोलते हैं कोड वगैरह पुश करने के लिए जो सॉफ्टवेयर वगैरह यूज होते हैं उनके बारे में बात की गई है, ठीक है, ये है रिक्वायर्ड, मतलब कि ये आने चाहिए, और प्रेफर्ड अगर आपको ये सब भी आती तब भी आपके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, क्योंकि यार फ्रेशर्स के लिए इतनी सारी चीजें मांग लेती है ना, जब भी ऑफ कैंपस हायरिंग होती है सामने वाला भी क्या क्या पड़ेगा। देखो यहाँ पे एक कोई एक लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे यूनिक्स लिनक्स की नॉलेज होनी चाहिए, यहाँ कुबरनेट्स या डॉकर की नॉलेज होनी चाहिए, और यहाँ पर देखो API वगैरह, SQL वगैरह, REST API, जावा, ये सामने वाला बंदा भी क्या करेगा, ठीक है। तो थर्ड अपॉर्चुनिटी आपकी इंटेल की तरफ से है, ये होने वाली है इंटर्नशिप, ठीक है। तो ये इंटर्नशिप मोस्टली यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन एलिजिबल है, मिनिमम जो वो मांगी गई है ना क्वालिफिकेशन, बैचलर या मास्टर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर साइंस, और ठीक है, और उसके बाद गुड प्रोग्रामिंग, मतलब सी और स्क्रिप्टिंग नॉलेज, गुड एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ईगर टू लर्न न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है, बस यही है आपका डिस्क्रिप्शन, ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ वो, ठीक है। और अगली अपॉर्चुनिटी बात करें सीमेंस की तरफ से है, ये होने वाली है एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, ठीक है। तो अगली अपॉर्चुनिटी की बात करें तो आ रही है आपकी सीमेंस की तरफ से, ठीक है। तो स्क्रॉल डाउन करके अगर हम देखें कौन कौन इसमें एलिजिबल है, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए BE BTech, ठीक है, और स्ट्रीम कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, और उसके बाद आपको आना क्या क्या चाहिए, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो देख सकते हो गुड कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, जावा, रिएक्ट, JS, HTML5, CSS, मतलब कि मोस्टली ये फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर काम होने वाला है, ठीक है। तो ज्यादा क्वेश्चन में मांगा नहीं गया, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, ठीक है, तो बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो UI इंजीनियर, बैक एंड इंजीनियर, क्वालिटी इंजीनियर, ठीक है, तो ये तीन चार प्रोफाइल होने वाली है। और अगली अपॉर्चुनिटी अगर हम बात करें तो आ रही है विप्रो की तरफ से, ये होने वाली है IT सर्विस डेस्क, ठीक है, ये पर्टिकुलरली नॉन कोडिंग जॉब होने वाली है, ठीक है, और 5 डे वर्किंग है, 24/7 आपकी शिफ्ट हो सकती है, और क्या मांगा गया है, बस लोकेशन आप देख लेना, इंग्लिश आपको रीड राइट स्किप वो क्या बोलते हैं स्पीक होनी चाहिए, ठीक है, लोकेशन मेंशन की गई है कहाँ कहाँ के लिए लोग हायर कर रहे हैं।
और अगली अपॉर्चुनिटी है आपकी HSBC की तरफ से जो होने वाली एसोसिएट एनालिस्ट, ठीक है, कॉर्पोरेट सेल्स, ये भी नॉन टेक्निकल जॉब होने वाली है। लास्ट डेट है इसकी 2nd of September। तो मोस्टली ये जो HSBC हायर करती है मैनेजमेंट प्रोफाइल के लिए करती है, तो आप ज्यादा पढ़ लेना, इंग्लिश इसमें ज्यादा मैटर करता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ज्यादा कुछ इसमें मेंशन किया नहीं होता है, ठीक है। अगली अपॉर्चुनिटी आपकी नॉन इंजीनियर स्टूडेंट्स के लिए जो है कि BCA और BSc ग्रेजुएट 2022 ग्रेजुएट्स के लिए 26th of August लास्ट डेट होने वाली है और 2.75 LPA आपका मिलने वाला है, 2 साल के क्या बोलते हैं ट्रेनिंग पीरियड होने वाला है। अगली अपॉर्चुनिटी आपकी है विप्रो की तरफ से जो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की, ठीक है। तो आपको जैसे पता है विप्रो ज्यादा कुछ मेंशन करता नहीं है, ठीक है, तो आप बाकी आप पढ़ लेना, सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और ये है TCS और इन्फोसिस, ये दोनों क्या बोलते हैं इंटर्नशिप है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। एक्सेलरेट योर करियर एंड लर्न IT एंड रिसर्च बिजनेस एट द TCS ग्लोबल इंटर्नशिप प्रोग्राम, तो सारी चीजें मेंशन की गई है कौन एलिजिबल है, कितने मंथ की मतलब इंटर्नशिप होगी या कितने वीक्स की, ठीक है, किस फील्ड में होगी, सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। सेम गोज फॉर इन्फोसिस टू, ठीक है, यहाँ पे भी मेंशन किया गया और इंटरेस्ट यहाँ पे आपको बताना है, देखो एरिया ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ पे 3 प्रेफरेंस देनी है, बाकी सारी आप चीजें आप सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो आपकी इंटर TCS और इन्फोसिस की इंटर्नशिप है, बाकी आपकी फुल टाइम है, ठीक है, सारी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर किसी में भी आप एलिजिबल हो तो अप्लाई करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, थैंक यू सो मच वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।